नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सुबह सुबह ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को खूब घेरा है। बड़ा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और बताया है कि विगत कुछ सालों में किस प्रकार देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर आ चुकी है। ट्वीट आप तेजस्वी यादव के देखिए अपनी स्क्रीन पर। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, केंद्र सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों के चलते देश में विगत 5 दशक में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। बिहार में हम सीमित संसाधनों के बावजूद लाखों युवाओं को नौकरी रोजगार दे रहे हैं। बड़ बोली केंद्र सरकार को बिहार की महागठबंधन सरकार से सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह नसीहत भी दी है और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा है कि 5 सालों में अगर आप ध्यान से देखें तो जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब से अगर बात ना करें, सिर्फ 5 सालों का आंकड़ा तेजस्वी यादव ने गिनाया है और बताया है कि इन 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम पर है कि आपको नजर नहीं आती। और इसके पीछे का कारण यह है कि सरकार ने गलत नीतियां बनाई और सरकार ने कई गलत निर्णय भी लिए जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ा और आज महंगाई और बेरोजगारी की हालत क्या है देश में और राज्य में आप देख सकते हैं। लगातार तेजस्वी यादव जब भी मन से भी कभी बोलना शुरू करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो सबसे प्राथमिकता वो देते हैं महंगाई और बेरोजगारी को। और बिहार में जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रही है और सबसे खास बात यह कि रोजगार और नौकरी को लेकर के जिस प्रकार अपने कदम बढ़ा रही है उससे केंद्र की मोदी सरकार को, केंद्र की बीजेपी सरकार को सीखने की जरूरत है। ये बात भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी हम लाखों युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और आप सिर्फ बड़बोलापन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए सुबह सुबह ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में फिलहाल चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, आपने नतीजे देखे, और फिलहाल 1 सीट और बचा है जिस पर उपचुनाव होने वाला है। कुढ़नी विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान आपने कल की भी तस्वीर देखी जब पंडुका में ब्रिज का शिलान्यास करने केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और रोहतास में जब उनके साथ मंच पर तेजस्वी यादव बैठे थे उस दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी बड़ी मांग रखी और कहा कि बिहार पर ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, स्पेशल पैकेज की मांग वहां पर भी तेजस्वी यादव ने की। तो तमाम तरह की डिमांड जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव का यह ट्वीट आया है और इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णयों और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है और बताया है कि किस प्रकार इन 5 सालों में लोग परेशान हुए हैं, किस प्रकार लोग हलकान हुए हैं और लोगों पर किस प्रकार महंगाई की मार पड़ी है। वैसे भी महंगाई की अगर बात हो रही है तो पूरे देश की सही बिहार की बात भी अगर कर लेते हैं तो पूरे बिहार में भी और देश में भी महंगाई इतने चरम पर है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर अब कमाएं कितना और खर्च कितना करें, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात है। महंगाई हर तरफ है, चाहे वो राशन की दुकान पर चले जाइए या फिर पेट्रोल पंप पर चले जाइए या फिर कोई भी अन्य चीज़, रिचार्ज से लेकर के आपको मैगी खरीदने तक हर चीज़ पहले से ज्यादा दाम में मिलेगा। 10 रुपए की मैगी अब आपको 17 से 18 और 14 से 15 रुपए में भी मार्केट में मिलेगी। तो ये सारी तमाम बातें हैं महंगाई को लेकर। अब तेजस्वी यादव ने इन्हीं सब महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है और रोजगार और नौकरी देने के बात पर भी सरकार पर खूब निशाना उन्होंने साधा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।